नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने आज सख्त इंतजाम किए। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर आज महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन था, जिसमें आप शर्मिष्ठा मुखर्जी को देख सकती हैं। कांग्रेस नेता और प्रणब मुखर्जी की बेटी देखिए लगातार नारेबाजी कर रही है और सीए का विरोध कर रहे हैं ये लोग। बीच आपको बता दें, राजनीति भी अपने चरम पर है। कल जो तस्वीर देखने को मिली, आज उससे थोड़ा सा अलग तस्वीर। महिला कांग्रेस जो है, दिल्ली महिला कांग्रेस, वो विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरी और यहां पर आप देखिए गृहमंत्री अमित शाह के घर के बाहर इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। मोदी शाह के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी और एनआरसी और सीएए के विरोध में ये लगातार नारेबाजी कर रही है। हालांकि पुलिस ने थोड़ी ही देर में इन्हें डिटेन कर लिया और यहां से हटाकर ले गई। लगातार नारेबाजी करते हुए मोर्चा संभाला था प्रणब मुखर्जी की बेटी कांग्रेस नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने और यहाँ पर उन्होंने अपनी गिरफ्तारी भी दी। उन सभी को हिरासत में लिया गया। हालांकि काफी देर तक ये हंगामा करती रही और उसके बाद इन्हें हिरासत में लेकर यहाँ से ले जाया गया है। तो आपको बता दें कि कल दिल्ली के सड़कों पर जिस तरह से आपने देखा था, अलग अलग स्टूडेंट्स यूनियन के छात्र यहां पर पहुंचे थे, धरना प्रदर्शन यहां पर किया था, कई तरह से कई जगह पत्थरबाजी की भी खबरें सामने आई थी। लेकिन पुलिस ने पूरी तरह से अलर्टनेस दिखाते हुए कल भी कई जगहों पर धारा 144 लागू थी। आज भी कई दिल्ली में ऐसी जगह है जहां पर जामा मस्जिद में देखिए सुरक्षा सख्त है, क्योंकि आज जुमे की नमाज है और इसे देखते हुए यहां पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। अभिषेक आनंद दिल्ली से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ, साथ ही मौसमी भी हमारे पास साथ है। लेकिन सबसे पहले अभिषेक के पास जाते हैं। अभिषेक, कल जिस तरह से हमने देखा था पूरी अलर्टनेस दिखाते हुए दिल्ली पुलिस सतर्क दिखी थी और आज भी कई जगहों पर धारा 144 जुमे की नमाज भी है, क्या जानकारी है आपके पास जिस जगह पर आप है? श्वेता, बड़ी मुश्किल से मैं आपको सुन पा रहा हूँ। इस वक्त मैं सीलमपुर के बीचों बीच हूँ और पूरी तरह से पुलिस पेट्रोल से घिरा हुआ हूँ। आप देख रहे हैं मोटरसाइकिल पेट्रोल है, पीछे तमाम दिल्ली पुलिस के लोग हैं और उनके साथ सीआरपी और आरएएफ के लोग भी जुड़ चुके हैं। ये एरिया डोमिनेशन मार्च इसको कहा जाता है, फ्लैग मार्च का एक बड़ा रूप है एरिया डोमिनेशन मार्च, जिसमें मोटरसाइकिल के साथ पेट्रोल पे पुलिस वाले पैदल पेट्रोल पे होते हैं, साथ ही मोटरसाइकिल से गश्त होती है और उसके साथ ही पीछे अगर आपको मैं कैमरा पर्सन को बोलूंगा पैन करके दिखाएं, ये आरएएफ की टुकड़ियां उसके साथ चल रही है, पूरी तरह से लैस है। दंगा निरोधक जो उपकरण होते हैं उसमें पूरी तरह से लैस है। जो भी इंसिडेंट हुआ, जो भी घटनाक्रम हुआ सीरमपुर का, उसको देखते हुए पुलिस कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाना चाह रही जिससे पत्थरबाजी का थोड़ा सा भी मौका मिले। अगर आप देखें पीछे तो पुलिस के आला अधिकारी जो ब्लैक कलर की आर्मर जैकेट्स हैं, उसमें पुलिस के आला अधिकारी हैं जो यहां पर पैदल मार्च कर रहे हैं। इस पैदल मार्च के साथ साथ हम लोग भी चलते आए हैं, करीब करीब 4 से 5 किलोमीटर तक ये पैदल मार्च सीलमपुर के अंदर सकरी गलियों से होते हुए आ गया है, क्योंकि पैदल आर्म लोग जो है, पैदल पुलिस वाले जो है वो गलियों के अंदर जा सकते हैं। एक बात सबसे अजीब यहाँ पर है श्वेता, की जो पत्थरबाजी हो रही थी वो गलियों के अंदर से हो रही थी और लोग भाग करके ऐसे ही सकरी गलियों के अंदर चले जा रहे थे। अब ये पैदल मार्च ये सुनिश्चित करने के लिए है कि इस तरह की कोई घटना दोबारा घटित ना हो। श्वेता, बिल्कुल आपसे और हम जानकारी लेंगे। तो पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद यहाँ पर नजर आ रही है। संजय शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं जामा मस्जिद से। संजय, आपसे जानना चाहेंगे, जुमे की नमाज है, ऐसे में वहां पर किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, कितनी सतर्कता, क्या सुरक्षा व्यवस्था? मैं बस कुछ बोलूं इससे पहले कि हमारे कैमरामैन आलोक दास विजुअल दिखाएंगे कि पूरे इलाके को क्वार्डन ऑफ कर दिया गया है, यानी पैदल लोगों के जाने पर कोई पाबंदी नहीं है, पैदल लोग जा सकते हैं, नमाजियों को जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मेट्रो के दरवाजे खुले हैं, लेकिन चारों ओर
सुरक्षा का इंतजाम सही है, एहतियातन सारे इंतजाम किए गए हैं। ये सुभाष मार्ग जो लाल किले के बिल्कुल सामने है, यहाँ पर ट्रैफिक रोजमर्रा की तरह चल रहा है, और लेकिन यहाँ बैरिकेडिंग की गई है और जामा मस्जिद की ओर जाने वाले इस रास्ते पर खास तौर पर बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन पैदल यात्रियों को जाने दिया जा रहा है, पैदल नमाजी जा रहे हैं। और बाजार जो हमने चारों बगल जामा मस्जिद के चारों ओर चौगिरदा घूमकर जायजा लिया है, उसमें बाजार खुले हैं और बिल्कुल नॉर्मल यानी रोजमर्रा की तरह आमद और रफ्त है, वाहनों की गाड़ियों की सब कुछ सही चल रहा है। यानी दिल्ली का अंदर जाएं तो वैसा ही नजारा है जिसके बारे में जौक ने कभी कहा था कि इन दिनों गर्चे दक्कन में है बड़ी कदरे सुखन, कौन जाए जौक अब दिल्ली की गलियां छोड़कर। तो अंदर बिल्कुल दिल्ली का वही मस्त वैसा ही नजारा है जिसमें आमद और रफ्त है, लोग बेडमी पूरियां और पूरियां हलवा नंगोरी खा रहे हैं, आराम से सारा दुकान का कारोबार चल रहा है, यानी सब कुछ रोजमर्रा की तरह। फिर जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि पुलिस ने भी ये कहा है और मेट्रो प्रशासन ने भी कहा है कि सारे मेट्रो स्टेशन, कोई भी मेट्रो स्टेशन पे आज स्टेशन के दरवाजे बंद नहीं हैं। जामा मस्जिद का हमारे ठीक पीछे मेट्रो स्टेशन है, वहाँ भी लोगों का आना जाना लगा हुआ है, विदेशी सैलानी भी अंदर घूम रहे हैं और मस्जिद की खूबसूरती का नज़ारा ले रहे हैं, और ट्रैफिक पूरी तरह सामान्य है। पुलिस ने हालांकि आज भी प्रदर्शन की इजाज़त नहीं दी है, लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना है कि लोग अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं और सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो इसमें उन्हें कोई गुरेज नहीं, कोई एतराज़ नहीं है, लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, लेकिन किसी को कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त कतई नहीं दी जाएगी। और अभी तक हमने देखा है बाजार बिल्कुल खुले हुए हैं, लोगों का आना जाना है, नमाजी आ रहे हैं जा रहे हैं, और इसके साथ लेकिन पुलिस ने एहतियाती इंतजाम पूरी तरह से कर रखे हैं ताकि कोई भी नमाजी तो नमाज अदा करने आते हैं लेकिन कोई बाहर का ऐसा आदमी ना आ जाए जो अपनी नापाक साजिश में कामयाब हो जाए और किसी तरह से बदनामी दिल्ली के लोगों पर पड़े और नमाजियों पर पड़े। तो इसके भी इस पर भी पूरी निगाह रखी जा रही है ताकि ये लोग जो अपनी बात सरकार तक अपना विरोध पहुंचाना चाहते हैं वो विरोध भी दर्ज हो जाए और अमनो अमान कायम रहे। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।